लेकिन पता नहीं विरोधियों को क्या हो जाता है, क्योंकि नीतीश जी की आदत होती है कि वो आधा आधा काम पर उद्घाटन करते हैं। उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे कि नीतीश जी देखिए आपके दोहरा चरित्र का प्रचायक आपका शिलान्यास और उद्घाटन बोर्ड है, कि कुछ पार्टियां मिलकर दिल्ली में विरोध दर्ज कराना चाहती। अब दुर्भाग्य ये है कि वो स्वयं पटना में उद्घाटन करते हैं, या तो शिलान्यास उद्घाटन आपने किया तो उसको तोड़वा दीजिए, अब दूसरे के साथ देखने वाला नहीं है। आप तो जान रहे हैं नीरज मंडल जी गंगोत्रा समाज से आते हैं, मजबूत साथी हैं, और भागलपुर में पूरा अति पिछड़ा अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। आज ये मिलन समारोह में उपस्थित बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी, पार्टी के नेता आदरणीय सुरेश रुंटा जी, प्रवक्ता उदय बाबू, हमारे माननीय विधायक प्रणव जी, जयप्रकाश यादव जी, भाजपा नेता राजकुमार सिंह जी, और आज जो मिलन समारोह में आए, जो 2015 के कहलगांव विधानसभा के उम्मीदवार रहे आदरणीय नीरज मंडल जी, और इनके साथ कई साथियों ने आज पार्टी की सदस्यता ली है, मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनका जोरदार स्वागत करने का काम करता हूँ। और साथियों, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में इस देश के विकास की कल्पना को आगे ले जाने का काम किया है, उसकी लगातार चर्चा इस देश में होती रही है, लेकिन पता नहीं विरोधियों को क्या हो जाता है, ये जब स्वयं सत्ता में रहते हैं, जैसा कि अभी विजय सिन्हा जी ने आपको बताया कि कुछ पार्टियां मिलकर दिल्ली में विरोध दर्ज कराना चाहती। अब दुर्भाग्य यह है कि वो स्वयं पटना में उद्घाटन करते हैं, या तो शिलान्यास उद्घाटन आपने किया तो उसको तोड़वा दीजिए, तब तो मानेंगे कि नैतिक अधिकार आपको है कि नैतिकता का जिम्मेदार लेते हैं। दिल्ली में जिस सदन के संसद भवन, नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, और बिहार में जब एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन शिलान्यास हुआ, उद्घाटन तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश जी की आदत होती है कि वो आधा आधा काम पर उद्घाटन करते हैं, अभी तक तो 2 बार उसका शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है, आगे और देखते हैं कितना के भी, अभी तक हॉल का भी जो वहां हॉल बनना है उसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। अब पता नहीं नीतीश बाबू को कौन सा ट्रेंड है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यदि किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कल हम लोग पूरे विधानसभा के विधायक, विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य उनके उस शिला बोर्ड के पास जाएंगे और नीतीश जी को एहसास कराएंगे कि नीतीश जी देखिए आपके दोहरा चरित्र का प्रचायक आपका शिलान्यास और उद्घाटन बोर्ड है, आप स्वयं कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अरे कम से कम कागज वाले काम पर तो सही कीजिए, कि कितना पलटी मारिएगा, पलटी तो राजनीति में मारते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम जो कागज पर दिखने वाला काम है उसमें तो घोलटासन मत मारिए। अब तो आप जमीन पर घोलट रहे हैं, पता नहीं, वैसे वे स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं, और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी ने सपने में
प्रधानमंत्री का ओथ ले लिया है और ये अब फिजिकल कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो गए, तो अब हमको लगता है कि स्वाभाविक तौर पर बुजुर्ग हो गए, अब थोड़ा जाके थोड़ा आराम आराम करना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हमारे हों उनको तो आराम करना चाहिए, थक गए बेचारे। इसलिए बिहार अब बदलाव की ओर है। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिहार में अपराधी बढ़ रहे हैं, बिहार में शराब माफिया सरकार चला रहा है, बिहार में बालू माफिया राजद की सरकार चला रहा है। तो ये स्पष्ट है, बिहार की जनता अब दूसरे के साथ देखने वाला नहीं है। आप तो जान रहे हैं, नीरज मंडल जी गंगोत्रा समाज से आते हैं, मजबूत साथी हैं, और भागलपुर में पूरा अति पिछड़ा अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब बिहार बदलाव की ओर है और 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी साथ में। इसलिए जो आज व्यवस्था बनी है बिहार की, इस बिहार में अब भ्रष्टाचार से लड़ना है, अपराधी से लड़ना है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हैं। नीरज मंडल जी और पूरी जो टीम इनके साथ आई है, हम इसका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं।